अगर आपके पास कुछ एक हजार या कुछ एक लाख का कर्ज है तो कैसे आप अपने उस कर्ज को माफ करवा सकते हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि कैसे मैं उस कर्जे को माफ करवा सकता हूँ, यानी कि आपको कुछ भी नहीं देना, ये सवाल अगर आपके मन में है तो इसका क्या जवाब है जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कोई लोन ले रखा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो पर्सनल लोन हो, तो ऐसी कंडीशन में कई बार आपके ये सवाल होते हैं कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या करें। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आप पैसा नहीं दे पाते हो, तो बैंकों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। वो उन हथियारों को चलाते हैं और वो एक कोशिश करते हैं कि आपसे पैसा निकलवा लें। इन हथियारों में पोलाइट रिमाइंडर्स से लेकर रिकवरी एजेंट से लेकर लीगल नोटिस से लेकर केस तक होता है, और केस के बाद नतीजा भी निकलता है और फिर जो फैसला आता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं सेटलमेंट नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सेटलमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। जाइए और सर्च कीजिए सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस और आगे लिखिए सेटलमेंट, और जितने भी सेटलमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि मैं यहाँ लोन माफ करवाने की बात कर रहा हूँ। तो कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि अगर हम सेटलमेंट भी नहीं करवाना चाहे, हम तो लोन माफ ही करवाना चाहते हैं। मतलब ये है कि भाई, बैंक से तो हमने ले लिया लेकिन अब हम उसको एक रुपया भी नहीं देना चाहते, वो हमारा लोन माफ कर दे, तो इसका क्या तरीका है, यानी कि राइट ऑफ कर दे। कई बार होता है ना कि सरकार राइट ऑफ कर देती है किसानों का लोन लाखों करोड़ों रुपए का, तो वो लोन राइट ऑफ करने की बात आप कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक भी पैसा नहीं देना चाहता मैं क्या करूं, देखिए लोन को आप राइट ऑफ करवाना चाहते हैं, आप एकदम एक रुपया भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कि सामने वाला ऐसा क्यों करेगा, और अगर ऐसा करता कोई भी तो कितना आसान होता ना। आपने पैसे ले लिए, आपने पैसे खर्च कर दिए और उसके बाद बोलेंगे भाई मेरा लोन राइट ऑफ कर दो, और वो बोलता ठीक है भाई लो तुम्हारा लोन हमने राइट ऑफ कर दिया, वाह क्या बात है। तो क्या लाए लोन राइट ऑफ नहीं होता? लोन राइट ऑफ होता है, लोन राइट ऑफ होता है। अब कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए लोन राइट ऑफ का एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो तुरंत ही नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने लोन लिया है और उसके बाद आप एक महीने के बाद बोलेंगे भाई मेरे पास तो है नहीं तुम राइट ऑफ कर दो, और बोलेंगे ठीक है। जब कभी आप उनका पेमेंट करना बंद कर देते हैं, चाहे उनको जानकारी देकर चाहे उनको बिना जानकारी दिए आपने बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वो आपको रिमाइंडर्स भेजना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोन राइट ऑफ होगा, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वो एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास आएंगे, रिमाइंडर्स आएंगे SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और जो भी उनके चैनल्स हैं उन सारे चैनल्स के थ्रू। अगर आपका पेमेंट नहीं गया तो फिर उनके पास उनकी बहुत सारी कॉल्स आपके पास आने लग जाएगी। अभी एक कॉल आई, फिर 15 मिनट के बाद दूसरी कॉल आई, फिर आधे घंटे के बाद तीसरी कॉल आई, एक एक दिन में आपके पास 50-100 कॉल आएगी। और अगर कई सारे लोगों के अगर आपके लोन बाकी है एक साथ, तो एक एक दिन में 500 कॉल्स भी आप देखेंगे जो आपको पागल कर देंगे। कॉल्स समाधान क्या है? अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए, यही समाधान है। इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो रिकवरी एजेंट्स को, यानी कि फील्ड एग्जीक्यूटिव को, उनके आपके ऑफिस आपके घर में भेज दिया जाता है, आपको परेशान करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। वैसे तो कहा जाता है कि वो आपसे पैसा रिकवर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डराना धमकाना ये सब तो कुछ एड ऑन्स हैं जो उसके साथ आपको मिलते हैं।
आपने फिर भी नहीं दिया, और उनको समझ में आ गया कि भाई अभी भी पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके बाद वो आपको भेजना शुरू कर देते हैं लीगल नोटिस। ये नोटिस एडवोकेट की नोटिस होती है, वकीलों की नोटिस होती है कि हमारा क्लाइंट है, उससे आपने इतने पैसे लिए थे, इतना पैसा हो गया है, आप इतनी तारीख तक दे दीजिए, नहीं तो हम आगे एक्शन लेंगे। ये जो लीगल नोटिस होती है, इस लीगल नोटिस के बाद आपको बताया जाता है कि ये होगा वो होगा, आपको डिमांड नोटिस भेजी जा सकती है, आपको लोन की रिकॉल नोटिस भेजी जा सकती है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेजा जा सकता है। आप अभी भी नहीं दे रहे हैं तो किसी भी टाइम पर ये आपके अकाउंट पर लीन भी मार्क कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट को माइनस कर देंगे और कभी भी आपके अकाउंट में कोई पैसा आएगा, यानी कि ये हर तरीके का हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये बोलेंगे कि भाई सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट के लिए भी आपको काफ़ी टाइम देंगे। पहले आपको बोलेंगे कि 20% डिस्काउंट पर आप सेटलमेंट कर लीजिए, फिर बोलेंगे 40% पर कर लीजिए, करते करते 30% पर सेटलमेंट तक आ जाते हैं, 20% में भी सेटलमेंट कई बार कर देते हैं, और ये वो समय होता है जब आपको सेटलमेंट करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी सेटलमेंट नहीं करवा रहे हैं तो इनके पास दो ऑप्शन है, आपके ऊपर केस कर दें या आपका लोन राइट ऑफ कर दें। अगर आपके ऊपर ये केस करते हैं तो इसमें आपको तकलीफ है, इसमें उनको भी तकलीफ है। उनको क्या तकलीफ है, आपके लोन को पहले उनको NPA करना पड़ेगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों किसी भी बैंक के लिए, बैंक का ये डिक्लेरेशन है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा बैंक काफ़ी पैसा मार्केट में डूब गया है, और ऐसी स्थिति में वो NPA करना नहीं चाहते, और NPA किए बगैर वो आपके ऊपर केस कर नहीं सकते। तो NPA करने से और केस करने से ये लोग बचने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है क्या वो केस नहीं करते हैं, केस करते हैं, मेरे देखने में आया कि वो केस करते हैं, और मैंने देखा हुआ केस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं जिन्होंने जिनके ऊपर केस हो चुका है और वास्तव में हो चुका है। तो एक ऑप्शन उनके पास ये होता है। लेकिन अगर आपका लोन बहुत छोटा है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 50,000 का, 80,000 का है, ऐसी कंडीशन में कई बार ये लोग क्या करते हैं कि NPA नहीं करेंगे, वो आपके लोन को राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, अपने अकाउंट से ही हटा देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब है कि उन्होंने एक तरीके से माफ़ कर दिया। अगर आपको कहीं से पता चल जाता है कि आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो अब आपको उनको 1 रुपया भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ करने के बाद क्या वो केस नहीं कर सकते, अधिकार उनका है, कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली करते नहीं। राइट ऑफ का मतलब है कि हमने इसको हटा दिया है, तो क्या आपको चेस करना बंद कर देंगे, नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप उनको राइट ऑफ करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये उनकी इच्छा की बात है। इसलिए अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैं मेरा लोन राइट ऑफ कैसे करवा सकता हूँ, तो इसका बस इतना ही समझना है आपको कि अगर आपका 2-2.5 लाख रुपये का लोन है तो ही पॉसिबिलिटी है राइट ऑफ होने की, 50 लाख का लोन राइट ऑफ नहीं हो सकता है, एक चीज। और दूसरी बात यह है, वो भी अगर उनकी इच्छा हुई तो वो राइट ऑफ करेंगे, नहीं तो चाहे तो केस भी कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ उनकी इच्छा के ऊपर ही निर्भर करेगा। लोन राइट ऑफ होने के बाद क्या बिंदास आप हो गए, अब आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक दूसरा गेम शुरू हो जाता है, वो लोग जो करते हैं वो उस राइट ऑफ वाले अमाउंट पर भी इंटरेस्ट ऐड करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो आपको काफ़ी लंबे समय तक आपसे पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन राइट ऑफ कर दिया था, अब आप उसको बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए। लेकिन राइट ऑफ करने के बाद वो जनरली केस नहीं करते, ऐसा आपको समझ कर चलना है। अधिकार उनका होता है लेकिन वो केस नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने केस ही नहीं किया तो वो आपसे पैसे निकाल भी कैसे सकते हैं। 3 साल खत्म हो जाने के बाद तो वैसे भी अगर वो केस करना चाहेंगे तो कहीं वो केस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपने देखा है कि राइट ऑफ हो गया है और 3 साल बीत गए हैं तो अब वो कहीं आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपको फिर भी जाननी है कि पैसे वो आपसे फिर भी मांग सकते हैं अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक भी। राइट ऑफ आपको कहाँ दिख जाएगा, अपने सिविल स्कोर में दिख जाएगा, या आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लोन जो राइट ऑफ होता है वो होता किस तरीके से है। पूरी तरीके से अगर आप लोन माफ़ करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आप इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन ये कई बार होना होता है, छोटा लोन का अमाउंट है तो कई बार हो जाता है, वो हो जाता है। अगर हो गए तो आपका लक है एक तरीके से, और लक भी क्या, परेशान तो आप उतने ही रहेंगे। इसलिए मैं सेटलमेंट पर आकर रुक जाता हूँ, मैं राइट ऑफ की बात जल्दी करता नहीं। सेटलमेंट 30% ठीक है भाई, 30-20% में अगर आपको सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है तो बढ़िया, आप सेटलमेंट करवा लो, ताकि वो आपको आगे 8-10 साल तक परेशान नहीं करते रहे, नहीं तो वो राइट ऑफ हमेशा आपका वहाँ रहेगा और परेशान वो आपको कई सालों तक आगे करते रहेंगे।
जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज आपको और मिलते रहे। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई सुझाव मुझे पसंद आएगा तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलता हूँ आप सबसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।